हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो गए और अपने CUET एग्जाम के आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। आज हम आए हैं आर्यभट्ट कॉलेज, जो नेक से A+ ग्रेड से सम्मानित है। और आर्यभट्ट कॉलेज का नाम आर्यभट्ट जी, जो हमारे महान गणितज्ञ थे, उनके नाम पे रखा गया है। आर्यभट्ट जी की यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक बहुत सुंदर प्रतिमा भी लगाई गई है। आर्यभट्ट जी जिन्होंने सुनने की खोज की थी, आज यहाँ पे 2200 के करीब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और काफ़ी अलग फैकल्टी है, 15 तरह के यहाँ पे कोर्स भी आ रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज हैं, लाइक UG के कोर्सेज हैं जिसमें BA ऑनर्स काफ़ी फेमस है, और वैसे BSc भी यहाँ पे काफ़ी फेमस कोर्स यहाँ पे है, और MA का एक हिंदी का कोर्स भी यहाँ पे दे रखा है। आर्यभट्ट कॉलेज जो RLA से 2014 में अलग हुआ था, 2014 और 15 के सेक्शन में अलग हुआ था। अभी हम खड़े हैं आर्यभट्ट के ग्राउंड में, और यहाँ का ग्राउंड काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, और उसके पीछे स्टूडेंट यूटिलिटी सेंटर है। बाकी छोटी छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पे, मतलब आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्लास से जैसे ही बाहर आते हैं तो हम कुछ खरीद के अंदर जा सकते हैं क्लास में, हमें कैंटीन तक नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब छाया है, अच्छे से अपन बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। आज धूप काफ़ी ज़्यादा आ रही है और बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो काफ़ी बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग, इसलिए क्लासेस भी नहीं लग रही है बच्चों की। और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं जो अपने। वैसे काफ़ी अच्छा है, यहाँ का ग्राउंड भी ठीक है, बन रहा है। यहाँ पे पीछे देख पा रहा हूँ क्रिकेट की प्रैक्टिस का भी ग्राउंड दिख रहा है मेरे को, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बन रहा है। जैसे ही हम मेन एंट्रेंस गेट से अंदर आते हैं, हमें दिखता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में प्रिंसिपल ऑफिस है, प्लेसमेंट सेल का ऑफिस है, नेक का है, अकाउंट सेक्शन है, कंप्यूटर लैब भी है, जो 2 और 3 नाम से जानी जाती है। और अंदर जाके ऑफिस है, यहाँ पे अपन एडमिशन के टाइम पे आना पड़ेगा अपने को, और यहाँ से ही एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ता है। आपका नाम? मुसीरा अहमद। अच्छा, आप कौन से कोर्स में हो? इंग्लिश ऑनर्स। कौन से ईयर? फर्स्ट ईयर में हो। आपने CUET के एग्जाम में कितना स्कोर आया था आपका? मेरा 650 स्कोर था। 650 कौन सी कैटेगरी से? मैं जनरल कैटेगरी से। आप ग्रेट, काफ़ी अच्छा स्कोर था वैसे। आर्यभट्ट कॉलेज के बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं कुछ अच्छा ही बताना है। हाँ, जो बुरा भी बता सकते हो, नेगेटिव चीज़ें भी बता सकते हो, क्योंकि हर चीज़ के एक्चुअली है तो ये अच्छा कॉलेज ही, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी मुझे ठीक ही लगा ये। अच्छा, एक्चुअली मेरा वो रामलाल में था। अच्छा, आप रामलाल से? तो बाद में मेरा अपग्रेड हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद आई वाज क्वाइट सैटिस्फाइड होता है। अच्छा, वैसे रामलाल कॉलेज भी बिल्कुल जस्ट पास में ही है यहाँ पे। वो एक्चुअली मेरे को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना पसंद नहीं आया था। अच्छा, ये इसका एरिया मुझे और लाइक माहौल भी थोड़ा माहौल भी काफ़ी अच्छा है। वैसे कैंटीन जाना पसंद करते हो? हाँ। कैंटीन में क्या अच्छा मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता मुझे तो अभी तो कुछ पसंद नहीं आया था। अच्छा, ठीक है। वैसे और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी में पार्टिसिपेट? अभी मैंने रिसेंटली बस फोटोग्राफी सोसाइटी में पार्ट लिया था। अच्छा, फोटोग्राफी सोसाइटी में हो आप, तो उसमें कुछ चलता है आपके फोटोग्राफी? अभी रिसेंटली ही सिलेक्ट हुई हूं मैं तो। अच्छा, रिसेंटली सिलेक्ट हुई हूं तो हुआ था, दैट्स व्हाई। ठीक है, कहां पे क्लासेस लगती हैं? मेरी दोनों तरफ ही लगती हैं, ज्यादातर यहां होती है कुसुमपुर ब्लॉक। अच्छा, कुसुमपुर ब्लॉक, वहां पे GAC AAC जो एडिशनल कोर्स है वहां की वाला। अच्छा, वहां पे भी लगती है क्लासेस? वो तो काफी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग दिख रही है, वो रिसेंटली बनेगा मे बी, और तो। अच्छा, काफी इंप्रूवमेंट आना बाकी अभी। चलो, अच्छा है, थैंक यू। आपका नाम? मोहित कुमार। आप कौन से कोर्स में हो? मैं इंग्लिश ऑनर्स में हूँ। आप अभी एग्जाम दे के आ रहे हो? आई थिंक हाँ, रिसेंटली हमारा एग्जाम ही चल रहे हैं सबके, तो एग्जाम ही देखेंगे। अच्छा, CUET में कितना स्कोर था आपका? 495 स्कोर था आपका, ग्रेट, काफ़ी अच्छा है। वैसे आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ बता सकते हो? अभी रिसेंटली ये जो हमारा ग्राउंड है अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वहाँ पर देख सकते हैं आप कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये हमारी मेन बिल्डिंग है, और अभी वहाँ पर पेपर चल रहे हैं, तो मेरे को भी रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं है कॉलेज आए, क्योंकि मैं मेडिकल हेल्थ मेरी अच्छी कुछ बनाई नहीं है यहाँ पे। इतना स्पोर्ट्स नहीं खेलता, लेकिन मेरे लिए ठीक है, बाकी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, वैसे किसी सोसाइटीज में अभी आप पार्टिसिपेट करते हैं? मैं मेनली रैप करता हूं और डांस, कभी कभार कराटे, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स। रैप सुना सकते हो कोई आप अपने? ठीक है,
अपने दिन की शुरुआत होती है चाय के साथ, एक हाथ में कप और मुंह में हो बात, क्रिकेट खेलूं मैं तो अपने दोस्तों के साथ, उत्तराखंडी बोली है सुनारे घाट, अपने देवी देवता रहते हैं साथ, भांग की चटनी और सब में भात, जितने पूरे दिन है उतने पूरी रात, यहाँ की मिट्टी में अलग ही है बात, नहीं है रोजगार लेकिन बहुत यार, फिजिक्स वाले हैं अपने साथ में यार, लेकिन मैं तो ऑन द स्पॉट मेरी बात नहीं है, मेरा फ्री स्टाइलिंग करता मैं तो यार, चल लेट्स ब्रो लेट्स चेंज द फ्लो, तेरी शॉट मेरे देख के देती ब्लो, आगे तक मैं नहीं जा रहा धीरे जार करेंगे अपन भी तड़ी पर ब्लो, फ्री स्टाइलिंग कर रहा था मैं फ्रीस्टाइल था ये। अच्छा, और वैसे आप और क्या क्या करते हो अभी? I'm interested. मैंने अभी खेलते डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया था एक साल ड्रॉप करके। अच्छा, तो मैं भी है पीछे अपने खुद की एजेंसी भी खोल रखी है क्रिएटिव विजन के नाम से, तो बैकहेंड में काम भी करता रहता हूँ और थोड़े अर्निंग भी हो जाती है तो कॉलेज भी आ जाता हूँ इसी टाइम में थोड़ा बहुत, मतलब आप अर्निंग का सोर्स निकाल रखा है मैंने, क्योंकि मेरे को पता है कि पापा तो नहीं देने वाले पैसा बेटा आपके पैसे में नहीं कूदेंगे, खुद के पैसे में कूदना है। अच्छा, खुद के पैसे में कूदना है, अरे काफी अच्छी बात लगी मेरे को आपकी। वैसे यहाँ पे यार हर पेड़ के नाम लिख रखे हैं, देख पा रहा हूँ जैसे ये मतलब टाइप्स बदल कौन से प्लांट्स है। हाँ यार, ये काफी अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि कौन से प्लांट क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर सब कुछ बता रखा है आपको। हाँ, पूरी डिटेलिंग दे रखी है, बारकोड टाइप भी दे रखा है इनके साइड में, काफी ग्रेट यार। वैसे और भी काफी कुछ है एक्सप्लोर करने लायक आपके कॉलेज में, जो ऐसी जगह है जो पीसफुल हो बिल्कुल? कैंटीन, आई लव द कैंटीन बिकॉज मैं बहुत फूडी आदमी, मुझे खाना बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं कभी मोटा हो जाता हूँ पतला हो जाता हूँ मोटा हो जाता हूँ पतला, मैं सीजन के हिसाब से चेंज होता हूँ। अच्छा, और कैंटीन में अच्छा क्या मिलता है खाने को? कैंटीन में मेरे को लगते हैं अच्छे समोसे। समोसे सबको ही समोसे लगते हैं कैंटीन में काफी। नहीं, समोसे इंडियन है पहली बात। और हाँ, वैसे यार ये पीछे ही कैंटीन है आपकी? हाँ, उसी साइड है। वैसे आरएलए का भी शायद सेम ही होगा आई थिंक, तो आरएलए के भी काफी बिल्डिंग मेरे को दिख रही है पीछे और कैंटीन भी दिख रही है। तो ये कॉमन कैंटीन है आपकी अलग अलग कुछ है? नहीं, कॉमन ही है सबके लिए, क्योंकि टीचर भी आते हैं कभी, जो मतलब प्रोफेसर भी आते हैं सबके, लेकिन वो उनके लिए क्लास तक पहुंच जाता है, हमें जाके लेना पड़ता है ना, बस ये चक्कर है, यही चक्कर है, कोई बात नहीं। अभी हम खड़े हैं कैफेटेरिया, कैफेटेरिया के बारे में आप बता रहे थे हमें, समोसे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, समोसे लाल चटनी के साथ, समोसे लाल चटनी के साथ, और यहाँ पे साइड में ही यहाँ पे ब्लॉक है हमारा और वहाँ पे लाइब्रेरी है, तिरंगना ब्लॉक है, और यहाँ पे कभी कभी हम धूप सेकने आते हैं सर्दियों में। अच्छा, यहाँ पे चिल करने आ जाते हो, धूप सेकने आ जाते हो, काफी ग्रेट यार, अच्छा है ये भी। वैसे वो चिड़िया के लिए लगा रखा है क्या? नहीं, वो चिड़िया के लिए, वो वहाँ पर जो रॉक्स है ना, पर जो रॉक्स है वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करते, पता नहीं कुछ में कुछ तो पता नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा, कुछ हरियाली है तो वहाँ पर बैठ के आप अपनी आराम से पिकनिक टाइप बना। वैसे क्या क्या मिलता है यहाँ पे कैफेटेरिया में? पीछे मेन्यू लगा हुआ है, लगा हुआ है, देखो फ्रूटी है यहाँ पर, पेप्सी है, फेंटा है, फेंटा फेवरेट है मेरी, कोका कोला, समोसे, मोमोज, वेज, पता नहीं क्या क्या मिलता है। अच्छा, वैसे यहाँ पे क्लासेस कौन सी लगती है? यूजी के कोर्सेज की क्लासेस ज़्यादा लगती है? हाँ, यूजी की कोर्सेज की ज़्यादा लगती है। वैसे अगर ये बट कॉलेज नेक से ए प्लस ग्रेडेड भी है आपको पता हो तो। हाँ, वैसे यहाँ का प्ले ग्राउंड काफी चेंज होना बाकी था, मेरे को लग रहा है ए प्लस मिलने के बाद चेंज नहीं हुआ। हाँ, कंस्ट्रक्शन में है बोल रहा था मैं, आपको कंस्ट्रक्शन में आपने देखा भी होगा यहाँ पर चीज आ रखी है। आप कूल हो तो आप एस्थेटिक्स ही पिक्स ले सकते हो यहाँ पे खड़े होके, मतलब मस्त पिक बिल्कुल एकदम पेड़ के साइड में खड़े होके, फील आती है डी यू वाली।